और आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, बहुत वजाहत के साथ सभी लोगों ने ये बात कही है कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत इंतहाई नाकाम हुकूमत। रोजगार देना तो दूर की बात है, जो लोग बरसरे रोजगार थे उनके रोजगार छीने जा रहे। मुल्क को अच्छे दिन देने की बात तो बहुत दूर की है, जो दिन हमारे पास थे वही दिन अगर लौटा दे तो हम समझेंगे कि अच्छे दिन आ गए। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नया नया फंडा लेकर के आते हैं, एक बात खत्म नहीं होती दूसरी बात शुरू कर देते, वो खत्म नहीं होती तीसरी बात शुरू कर देते। 15-15 लाख सबको देने की बात की गई थी, सबको देने की बात की गई थी। अखबार में शायद आपने पढ़ा होगा, एक अकाउंट 2 आदमियों के नाम से था। ऐसी गलती भी होती है, एक आदमी कमा कमा करके अकाउंट में पैसा डालता था और दूसरा आकर के निकाल के लेके चला जाता। अब जिसके पैसे थे उसने इंक्वायरी लगवाई और इंक्वायरी लगवाने के बाद जो आदमी पैसे निकालने के लिए आया उसको जमा कर लिए, और जब उससे पूछा गया कि ये अकाउंट किसका है तो उसने कहा कि अकाउंट मेरा है, मेरा ये नाम है, मेरे ये कागजात है। दूसरे ने कहा कि ये अकाउंट मेरा है, ये मेरे कागजात है। तो जो पैसे निकाल करके लेके जा रहा था उससे जब पूछा गया कि जब तूने अकाउंट में पैसे डाले नहीं थे तो अकाउंट से पैसे निकालता क्यों रहा, तो उसने कहा कि हमारे पंत प्रधान जी ने वादा किया था कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे, तो मैं ये समझ रहा था कि किस्तों में आ रहे, इसलिए मैं निकाल रहा था। ये 15-15 लाख देने वाले थे हर एक को, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को पैसे नहीं मिले, बल्कि हमारे जो पैसे थे वो पैसे इन्होंने लूट लिए। नोटबंदी करके गरीब समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज के पास, दादा के पास कुछ पैसे थे, दादी के पास कुछ बड़ी नोट थी, वो भी इन्होंने छीन ली। हमको लाइन में खड़े रह करके बैंकों में पैसा जमा कराना पड़ा। ये डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं।